ভারতীয় মৌসুম ভবন দেশ জুড়ে যে আবহাওয়ার পূর্বাভাস জারি করেছে সে এক নজরে জেনে নেওয়া যাক। आज के मुख्य सिनॉप्टिक सिस्टम्स की और हाइलाइट्स की, तो एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन अभी नॉर्थ मध्य महाराष्ट्र के आसपास है, जिसका जो कि मध्य क्षोभ मंडल तक विस्तृत है और यहीं से एक ट्रफ लाइन उत्तरी बांग्लादेश तक चल रही है। इन सब के प्रभाव में आने वाले 24 घंटे की अगर हम बात करें तो मुख्य रूप से जो वर्षा का जोन रहने वाला है वो कोंकण गोवा मध्य महाराष्ट्र और गुजरात रीजन रहने वाला है। इसके अलावा दूसरा जोन सब वेस्ट बंगाल सिक्किम और उसके आसपास के क्षेत्रों में रहने वाला है। अगर इन मुख्य बिंदुओं के बाद आगे बात करें दिनांक के हिसाब से, तो अगले 24 घंटे में लाल रंग की वार्निंग कोंकण गोवा मध्य महाराष्ट्र गुजरात रीजन के लिए है और ऑरेंज कलर सौराष्ट्र कच्छ को आज दिया गया है। अगर पूर्वी भारत की बात करें तो सब वेलेंट वेस्ट बंगाल और सिक्किम और बिहार के आसपास के क्षेत्रों में भी आज अच्छी खासी वर्षा होने की संभावना है। लाल रंग सब वेलेंट वेस्ट बंगाल सिक्किम को और बिहार और झारखंड को ऑरेंज कलर बैरियर की बारने के लिए दिया गया है। अगर पूर्वोत्तर राज्यों की बात करें तो आज अरुणाचल प्रदेश आसाम मेघालय में भी भारी वर्षा और अति भारी वर्षा के लिए ऑरेंज कलर वार्निंग है। अगर उत्तर पश्चिम भारत की बात करें तो आज पूर्वी उत्तर प्रदेश हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी ऑरेंज कलर, वहाँ पर बैरियर रेनफॉल होने की संभावना है। येलो कलर के साथ जम्मू कश्मीर पश्चिमी उत्तर प्रदेश हरियाणा में आज भारी वर्षा हो सकती है। मध्य भारत में भी मध्य प्रदेश में भी आज भारी वर्षा हो सकती है। विदर्भ छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में भी आज भारी वर्षा होने की संभावना है। तमिलनाडु में भी आज भारी वर्षा जारी रहने की संभावना है। अगर हम 27 तारीख की बात करें तो 27 तारीख को इंटेंसिटी में कमी आने की संभावना है। हालांकि बैरियर रेनफॉल यानी कि अति भारी वर्षा 12 से लेकर के 20 सेंटीमीटर तक के स्तर की वर्षा कोंकण गोवा मध्य महाराष्ट्र गुजरात स्टेट में जारी रहने की संभावना है। वहीं अगर पूर्वी भारत के और आसपास के क्षेत्रों की बात करें तो 27 तारीख को बिहार समान वेस्ट बंगाल सिक्किम में भारी वर्षा से अति भारी वर्षा एवं वेरी रेनफॉल जारी रह सकती है। पूर्वी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में वेरी रेनफॉल की एक्टिविटी जारी रहने की संभावना है। हालांकि पूर्वोत्तर के राज्यों में इंटेंसिटी में कमी आएगी, परंतु हैवी रेनफॉल भारी वर्षा अरुणाचल प्रदेश आसाम मेघालय नागालैंड मणिपुर मिजोरम त्रिपुरा में जारी रहने की संभावना है। बाकी मध्य भारत की बात करें तो मध्य प्रदेश में भी खासतौर से जो पश्चिमी मध्य प्रदेश का क्षेत्र और जो मराठवाड़ा का क्षेत्र, वहाँ पर भी भारी वर्षा 27 सितंबर को हो सकती है। बाकी उत्तर पश्चिम भारत मध्य भारत और दक्षिण प्रदेश भारत में थंडर स्टॉर्म की एक्टिविटी के साथ हल्के से मध्यम स्तर की वर्षा 27 तारीख को भी जारी रहने की संभावना है। अगर हम 28 तारीख की बात करें तो इंटेंसिटी में और कमी आएगी और पश्चिमी भारत में खासतौर से महाराष्ट्र में कोई खास वार्निंग भारी वर्षा की दृष्टि से नहीं है, सिवाय मध्य महाराष्ट्र में भारी वर्षा कद्दूकस पॉकेट्स में जारी रह सकती है 28 तारीख को। हालांकि गुजरात रीजन में भी येलो कलर की वार्निंग के साथ हैवी रेनफॉल जारी रहने की संभावना है। दक्षिण प्रदेश भारत की बात करें तो केरला और तमिलनाडु में एक नया स्पेल भारी वर्षा का 28 तारीख को देखे जाने की संभावना है। मध्य भारत की बात करें तो पश्चिमी मध्य प्रदेश में भारी वर्षा हो सकती है। पूर्वी मध्य प्रदेश विदर्भ छत्तीसगढ़ में हल्के से मध्यम स्तर की वर्षा थंडर स्टॉर्म के साथ हो सकती है। उत्तर पश्चिम भारत की बात करें तो उत्तराखंड में भारी वर्षा जारी रहने की संभावना है। हालांकि येलो कलर 28 तारीख के लिए रहेगा, परंतु राजस्थान और जो आसपास के क्षेत्र हैं, चाहे वो फिर पश्चिमी उत्तर प्रदेश का क्षेत्र हो, वहां पर थंडर स्टॉर्म के साथ हल्के से मध्यम स्तर की वर्षा हो सकती है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में ऑरेंज कलर के साथ वेरी हैवी रेनफॉल होने की संभावना है। बिहार समान वेस्ट बंगाल सिक्किम में भारी वर्षा इंटेंसिटी डाउनग्रेड होगी, परंतु हैवी रेनफॉल 28 तारीख को भी बनी रहेगी और पूर्वोत्तर राज्यों में भारी वर्षा 28 तारीख को भी बने रहने की संभावना है। 29 तारीख की बात करें तो इंटेंसिटी में और कमी आएगी और इसलिए भारी वर्षा की दृष्टि से गुजरात और महाराष्ट्र में कोई भी चेतावनी 29 तारीख के लिए जारी नहीं की गई है। हालांकि भारी वर्षा दक्षिण प्रदेश भारत में खासतौर से दक्षिणी कर्नाटक तमिलनाडु और केरला में 29 तारीख के लिए भारी वर्षा होने की संभावना है। उत्तर पश्चिम भारत मध्य भारत पूर्वी भारत और पूर्वोत्तर के राज्यों में कोई भी भारी वर्षा की चेतावनी 29 तारीख को जारी नहीं की गई है। हालांकि जो मध्य भारत पूर्वी भारत और पूर्वोत्तर के राज्य, वहाँ पर थंडर स्टॉर्म के साथ हल्के से मध्यम स्तर की वर्षा 29 तारीख को भी हो सकती है। 30 तारीख की बात करें तो 30 तारीख को भी कोई खास चेतावनी भारी वर्षा की दृष्टि से नहीं है, सिवाय असम मेघालय नागालैंड मणिपुर मिजोरम त्रिपुरा और केरला और तटीय कर्नाटक में भारी वर्षा की चेतावनी है। बाकी कहीं पर भी 30 तारीख के लिए कोई चेतावनी भारी वर्षा की नहीं है। 1 तारीख की बात करें तो भारी वर्षा की दृष्टि से भारत के किसी भी हिस्से में कोई चेतावनी नहीं है, सिवाय पूर्वोत्तर के राज्यों में अरुणाचल प्रदेश आसाम मेघालय नागालैंड मणिपुर मिजोरम त्रिपुरा में भारी वर्षा 1 और 2 तारीख को हो सकती है। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर अपडेट देंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।